तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने संक्रांति उत्सव पर जनता को बधाई दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संक्रांति के अवसर पर काइड फेस्टिवल के साथ साथ स्वीट महोत्सव भी रखा गया है और लोग इस महोत्सव में गंगा जमुना संस्कृति का नजारा पेश करते हुए इसमें भाग ले रहे हैं। ईद की मुबारकबाद देता हूँ और तेलंगाना में खासतौर से संक्रांति ईद में बड़ा जोश खरोश रहता है। आज नहीं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं पतंगबाजी की जाती है बहुत, चूंकि वह कंपटीशन होता है इसके अंदर और बिला मजहब मिलकर सभी मिलकर खुशियां बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं। और खासतौर से हमारे आनंदपुर सीएम साहब ने टूरिज्म के जरिए काइट फेस्टिवल साथ साथ स्वीट फेस्टिवल रखा है। डेफिनेट ये दोनों भी बहुत अहमियत के हामिल है। गंगा जमुना तहजीब और कल्चर को फरोग दिया जा रहा है और इस ईद में खासतौर से तीन दिन की ईद मनाई जाती है। तीन दिन में पतंगबाजी की जाती है, स्वीट बनाए जाते हैं, पूजा की जाती है। तो डेफिनेट हमारे स्टेट में इस मरतबा भी बहुत एहतमाम किया जा रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। सीएम साहब की खास तवज्जो की वजह से हिंदुस्तान के अलावा सारी दुनिया के 11 ममालिक के लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर जगह से उनके पतंग बनाकर लाए हैं। खासतौर से कोरिया से, जापान से और चाइना से लोग वो पतंग यहाँ उड़ाई जा रही है और उससे लोगों में बड़ा जोश पाया जाता है। लोग इस ईद में एक दूसरे को मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं और पतंगबाजी में एक दूसरे की पतंग काटते हैं और उसी तरह तीन दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है। मेरी जानिब से तमाम भाइयों को, खासतौर से हमारे स्टेट के भाइयों को, सबको दिल की गहराइयों से संक्रांति ईद की मुबारकबाद देता हूँ।